नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। नवागंतुक सीओ ने संभाला पदभार, पुलिस अधीक्षक रवि ने गैर जनपद से आए पुलिस क्षेत्राधिकारी शैलेंद्र वाजपेयी को कोंच सर्किल की नई जिम्मेदारी सौंपने पर दिन गुरुवार को नवागंतुक पुलिस क्षेत्राधिकारी शैलेंद्र कुमार वाजपेयी ने कोंच सर्किल का पदभार ग्रहण करते हुए उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वह जनपद सीतापुर के मूल निवासी हैं और यहां आने के पूर्व जनपद हाथरस में अपनी सेवाएं दे रहे थे और वर्ष 2018 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने प्राथमिकताओं के बारे में बताते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुसार काम करते हुए पुलिसिंग व्यवस्था को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाया जाएगा और किसी भी पीड़ित को किसी भी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं क्षेत्र में जुआ सट्टा, गौकशी, शराब सहित कोई भी अवैध कार्य किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा और अगर अवैध कार्य से जुड़ी कोई सूचना मुझे मिलती है तो तुरंत ही उस पर आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि महिलाओं का उत्पीड़न मेरे रहते हुए किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्ती से निपटा जाएगा। सीओ ने आते ही पुलिसिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सर्किल के थाना प्रभारियों के साथ मीटिंग करते हुए अपराध समीक्षा की और उन्हें निर्देशित करते हुए कहा कि क्षेत्र में गश्त करते हुए अपराधियों पर नजर रखें जिससे क्राइम पर लगाम लग सके। रिपोर्ट के श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ जालौन। कि जो भी पुलिस से संबंधित जो भी पब्लिक की समस्याएं हैं उनका निदान करना। सर, आप इससे पहले कहाँ पोस्टेड थे और किस बैच के अधिकारी? मैं 2018 बैच का हूँ और इससे पहले जनपद हाथरस में पोस्टिंग थी हमारी और जनपद हाथरस से स्थानांतरण पर मैं आया हूँ। अच्छा, सर्किल की पुलिस के लिए क्या निर्देश देना चाहेंगे आप? सर्किल पुलिस को ये निर्देश देना है कि पुलिस जिस उद्देश्य के लिए जो है भर्ती की जाती है और हमारे जो भी काम है वो चाहे पब्लिक संबंधी हो चाहे हमारे जो है सरकार संबंधी हो, जो भी प्राथमिकता वाले काम है उनको नंबर एक पर जो उनको करना है। ठीक, और जनता के साथ जो है सदव्यवहार करना है।